घर में साफ़ सफाई ज़ोरों शोरों से है, क्योंकि कल हमारी छोटी पूरे 11 दिन की हो जाएगी एंड उसका नामकरण है कल। डिलीवरी इतनी जल्दी होगी कुछ समझ ही नहीं आया कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पर हमारी छुटकू भी उठ गई है, यहाँ पे मेरा बड़कू बच्चा भी उठ गया है, मेरा बच्चा उठ गया है। तो उसके पापा भी हो गए रेडी, अब ये दोनों जा रहे हैं बाहर। थोड़ा जिस दिन काम होता है ना उस दिन बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं। मैंने देखा शंभू भी करता था, हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता था उस दिन शंभू ज्यादा चिल्लाता था और दिन शांत रहेगा। पापा की परी के कपड़े लेने जा रहे हैं गाइस मार्केट में। नीचे से आया अभी क्योंकि इसने थक गए। हे गाइस वेलकम बैक टू अल्टी जनरेट सर को व्लॉग, एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी का। तो अभी हो गई है मॉर्निंग एंड मैंने सोचा आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। तो आज चल रही है घर में साफ सफाई, मतलब और दिन भी चल, लेकिन आज घर में साफ सफाई ज़ोरों शोरों से है, क्योंकि कल हमारी छोटी पूरे 11 दिन की हो जाएगी एंड उसका नामकरण है कल। कल उसका नाम रखना है, क्या नाम रखा जाए। मैं तो सोचा है कि उसका नाम मैं अपने नाम के वर्ड से रखूँ पी से, क्योंकि उसका एस से रखा हुआ ऑलरेडी। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पी से अगर आपको कोई नाम अच्छा लगे तो सजेस्ट करना ज़रूर, नाम बताना कि क्या नाम रख सकते हैं हम अपनी गुड़िया का। और भी अभी देखेंगे क्या अक्षर पड़ता है क्या नहीं, ऐसा कुछ पक्का नहीं है, पी से ही रखना है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है इनकी है आज से नाइट, तो ठीक है। वैसे आज से नाइट लगी तो साफ़ सफाई में मदद कर देंगे मम्मी की थोड़ी सी, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती ये चीज़ें। तो अभी सोफ़ों की साफ़ सफाई चल रही है, फिर सोफ़ों के कवर वगैरह चढ़ाएँगे। तो मम्मी अभी नाश्ता बना रही है, फिर पहले नाश्ता करेंगे उसके बाद देखते हैं साफ़ सफाई का क्या है क्या नहीं। और मैं सबसे पहले तो अपने बालों पे कलर लगा लूँ, बहुत ज़्यादा वाइट वाइट बाल हो गए। मैं कब लेके आई थी, जब ये हुई भी नहीं थी ना उससे पहले मैं लेके आई थी कि मैं लगाऊंगी बालों पे मेहंदी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला एंड फिर डिलीवरी इतनी जल्दी हो गई कुछ समझ ही नहीं आया कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट कोई नहीं, अब सबसे पहले मैं कलर लगा लेती फिर उसको टाइम हो जाएगा फिर धो देंगे टाइम से। एंड मेरे फेस पर पता नहीं क्या ये इस टाइप की एलर्जी पहले भी होती थी आज फिर हो गई। एंड जब कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं ना उससे पहले तो ये होने ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। कुछ भी होगा, फंक्शन होगा, कहीं पे भी होगा, घर में होगा, बाहर होगा, कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा होता है, तो दाने निकल आएंगे या तो कुछ होगा। और इस बार मेरे मुँह पर ही सारी एलर्जी टाइप की हो गई। अब देखो क्या करते हैं, ये इन पर क्रीम वगैरह भी मैं कुछ नहीं लगा सकती क्योंकि क्रीम से पता चला बढ़ गए, तो वैसे भी मैं कुछ क्रीम वगैरह इतनी यूज़ करती नहीं हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, पर सबसे पहले तो मैं अपने बालों पे कलर लगाती हूँ, वो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने लगा लिया बालों पे हेयर कलर, हमारी छोटी भी उठ गई है छुटकू देखना सो रखी तुम क्यों लेके आए उसको। यहाँ पे हमारी छुटकू भी उठ गई है, तो अब करते हैं नाश्ता। अभी हमारा छोटा नहीं उठा है शंभू, यानी वो नहीं उठा है, बड़कू नहीं उठा है, छुटकू तो उठ गया है। तो अब करते हैं नाश्ता जल्दी, फिर देखते हैं आगे आगे क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है उसके नामकरण की। यहाँ पे मेरा बड़कू बच्चा भी उठ गया है, मेरा बच्चा उठ गया है, मम्मा का छोटा बच्चा उठ गया है। गुड मॉर्निंग बोलते जरा, गुड मॉर्निंग गाइस, इतनी धीमी आवाज में तेज बोलो तभी तो सुनाई देगा उनको, कैसे बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे बोलो, पटाखे फोड़ रहा है, कुछ फूट के देखो। नाश्ते में बनाया है आज मम्मी ने घिया आलू की सब्जी एंड साथ में भुजी बनाई है, रोटी है, चाय है, ते मन नाश्ता सब करे नाश्ता। आ जाओ आ
साफ सफाई चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे संभव हो गया है रेडी नहा धो के। हाय बोलो इधर देखो, पहले हाय बोल फिर ले जाएंगे, मैं शंभू ले जाना। हाय बोलो इधर देखो, बाय बाय। हाय नहीं तो बाय है। तो यहाँ पे साफ सफाई ऑलमोस्ट कर दी है, ज्यादा से ज्यादा अभी मम्मी कर ही रही है। इस कमरे में झाड़ू नहीं लगा बस, बाकी शंभू रेडी हो गया है, सबने नहा लिया। और ये नीचे नहीं रह रही है मैडम, जिस दिन काम होता है ना उस दिन बच्चे ज्यादा परेशान करते। मैंने देखा शंभू भी करता था, हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता था उस दिन शंभू ज्यादा चिल्लाता था और दिन शांत रहेगा। और ये भी मैडम नीचे नहीं लेट रही है, गोद में नींद आ जा रही है इसको। तो अभी बस मेरा नहाना रह गया और मम्मी का नहाना रह गया, बाकी सबने नहा लिया। दीपू भी आ गई है पेपर देके, एंड दीपू का तो कल भी पेपर है, जिस दिन नामकरण है उस दिन भी उसका पेपर है। तो उसके पापा भी हो गए रेडी, अब ये दोनों जा रहे हैं बाहर थोड़ा, क्योंकि काम तभी करने देगा जब ये घर से बाहर जाएगा। लड़का घूम के आएगा थोड़ी देर अपने पापा के साथ, देखना नौटंकी कितनी कर रहा है। दीपू भी आ गई स्कूल से, नहा लिया उसने भी। वहाँ पे शंभू के हाथ, आज शंभू के कपड़े भी सेट हो गए सारे के सारे, इसकी रैक में कपड़े फिट लड़के के। सो फाइनली गाइज मैंने भी नहा लिया है अब, एंड साफ सफाई हो गई है ऑलमोस्ट ज्यादातर। तो अब थोड़ी बहुत जो बची है वो कल हो जाएगी, अगर थोड़ी बहुत कल भी तो होगी साफ सफाई, तो इसलिए थोड़ी बहुत कल के लिए छोड़ दिया, मैंने नहा लिया है। अब करते हैं दिन का लंच। यहाँ पे आ गई है चाय शाम की, एंड साथ में बिस्किट। पापा की परी के कपड़े लेने जा रहे हैं गाइस मार्केट में, क्योंकि कल उसका है नामकरण, तो उसके लिए नए कपड़े लेने जा रहे हैं। थोड़ा सा सामान भी लाया घर का, तो जा रहे हैं मार्केट में और मेरे हस्बैंड जी। पे नामकरण के लिए मैंने जो पहनना और इन्होंने जो पहनना, मैंने वो कपड़े निकाल दिए हैं। जो हमारी छोटी नामकरण में कपड़े पहनने वाली है, तभी मम्मी पापा लेने गए हुए हैं। पिछली बार शिवांश के लिए मम्मी पापा लेके आए थे कपड़े जो उसने नामकरण में पहने थे। शिवांश के तो ऑलरेडी निकले हुए हैं, तो उसके निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस अब उसके कपड़े आने बाकी है। अभी मम्मी पापा गए हुए हैं सामान लेने के लिए, बाकी छोटी मोटी तैयारी हो गई है, जैसे पूजा का सामान जो है वो पापा ले आए हैं ऑलरेडी। तो जैसे तैयारी अभी चल ही रही है, मतलब छोटी मोटी हो ही रखी है। यहाँ पे पूजा का सामान पापा लेके आ गए हैं, यहाँ उठ गई। तो हमने सिर्फ घर में हवन रखवाया है, मतलब शुद्धिकरण के लिए जो होता है वो होगा, एंड छोटा मोटा फैमिली का ऐसे ही गेट टूगेदर होगा, मेरे मम्मी पापा और ज्योति, और मतलब ऐसे ही हमने ज़्यादा लोग नहीं बुलाए हैं, कम ही बुलाए हैं, तो छोटा मोटा ही होने वाला है। एंड फैमिली के साथ छोटा मोटा फंक्शन ही बहुत अच्छा लगता है। तो खाना कल घर पे ही बनने वाला है, जो कि बनाने वाली है मम्मी। उसके लिए सारी सब्जी वगैरह जो चीज़ भी लगने वाली है, सामान वगैरह, वो सब मम्मी और पापा लेने के लिए गए हुए हैं। आगे देख लेंगे, आगे के और भी फंक्शंस होते हैं कुछ, तो उसमें देख लेंगे धूमधाम से। अभी नॉर्मली करवा रहे हैं, तो इसीलिए अभी मम्मी पापा आएंगे जब सामान लेके, तब मिलते हैं आपसे सीधा। तो छोटी के नामकरण के लिए मिठाई जो है वो भी आ गई है, ले मिठाई। और ये तैयार होके ड्यूटी जाने के लिए, क्योंकि आज से इनकी नाइट है, तब मिठाई वगैरह भी आ गई है। ये जाएंगे अब ड्यूटी, ड्यूटी। नीचे से आया अभी, क्योंकि इसमें थक गए। बाय बाय बाय।
तो यहाँ पे मम्मी पापा भी आ गए हैं सामान लेके सारा का सारा। हेलो, यहाँ पे इस लड़की को अंदर नींद नहीं आ रही, देखना जहाँ हम जा रहे हैं वहीं सोना है इसको, जहाँ बाहर जा रहे हैं तो बाहर ही सोएगी, अंदर जा रहे हैं तो अंदर ही सोएगी। तो यहाँ पे लिया है मम्मी पापा और सारा सामान, मम्मी पापा आ गए हैं सामान लेके। तो ये आए छोटी के कपड़े, हाँ गोंदिया, ये पिंक कलर के, पिंक वो है, साइज भी तो बहुत छोटा हुआ है, ये भी बड़े ही होगा, ये ऊपर का ठीक, नीचे का पजामा थोड़ा सा बड़ा होगा, हर बाजू फोल्ड, हाँ फोल्ड भी हो जाएंगे हल्के, और एक ये वाले ये अच्छे लग रहे हैं ये भी। तो ये कपड़े आए हैं और दूसरे उसके पिंक कलर के, तो वो पिंक कलर किसका होता लड़कियों का? अलोन जीरो साइज मुश्किल है। अरे नहीं मिलता जीरो साइज बिल्कुल भी, वो बोलते बालू लाला किसके लिए लाना था, वो बालू वाला मुल्ली बालू वाला पहनती है कोई, क्या उसके पास उसके मुंडन के कपड़े लगती है ना। तो आ गए इसके कपड़े तो बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाले हैं शंभू के लिए कपड़े, ऑप्शन निकाले हैं, देखते कौन से चूज करते हैं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा कलर? ये येलो लाला, येलो वाला, ढंग से देख के बताओ कौन से पहनने, कल पहनेंगे, कल अभी नहीं। ये देखो येलो, ग्रे, ब्लू, रेड तो बहुत पहन लिया उसने, येलो, इन तीनों में से ऑप्शन कौन सा अच्छा लग रहा है? शंभू तो येलो बोल गया वैसे, येलो लाला पहनना है वो मुझे, पसंद का पहना दे। फिर इस पे भी हाथ लगा गया, ये भी पहनना है। दोनों में से पर्ची निकालो, पर्ची बनाओ, ग्रीन येलो बताओ ना, क्योंकि ये तो बड़ा है शायद, साइज 16 उसके लिए, खोलने से नहीं बड़ा, थोड़ा बड़ा भी लग रहा मुझे सर शंभू पे, क्योंकि वो तो पतलू सा हो गया, रेड वाला तो ठीक है। शंभू ब्लू करने का येलो, कल कौन सा बनेगा? रेड है ये, येलो अपने पापा का मैचिंग का कलर पहन रहा हूँ, पापा के कुर्ते का। तो यहाँ पे मैंने सबके कपड़े निकाल दिए, फिर सुमन ना लेट हो जाता है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? तो ये शंभू के, गुड़िया के हमारी, ये इसके पापा के, और ये मेरी साड़ी वगैरह, ये इसने अपने पापा के मैचिंग का कलर निकाला। तो अब लगभग सारी तैयारी हो गई है, बस रात को थोड़ा बहुत जैसे सुबह जो खाना बनाना है उसकी तैयारी कर देंगे, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दिया, ये सब चीज़ें ना रात को ही कर देंगे ताकि सुबह खाना जो है जल्दी बन जाए। तो अभी पहले सबसे पहले डिनर कर लेते हैं अपना, फिर आगे आगे जो काम होता रहेगा वो करते रहेंगे। तो आज डिनर में मम्मी ने बनाई है कढ़ी, पकौड़ा कढ़ी, साथ में भिंडी है और रोटी है। ये कढ़ी मेरी और शंभू की है, ये वाली दोनों के लिए अलग अलग दी है मम्मी ने। करते हैं डिनर, सब बैठे हैं करने के लिए, तो ये सब रखिए यहाँ पे पीछे। पे बर्तन भी निकाल दिए सुबह, जिनमें खाना बनने वाला है ये बर्तन निकल गए। एंड ये एक तकिया भी मिला मुझे शंभू का, इन्हें राई वाला तकिया, इससे बच्चे का सर गोल रहता है, तो ये भी मिल गया मुझे छोटी के लिए। तो मम्मी की तैयारी चल रही है। क्या
नामकरण की तैयारी चल रही है। नामकरण के नामकरण कर रही हूँ मैं, सुबह के खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल वाल भिगा रही हूँ, हम बनाएंगे दाल मखनी जिसमें चना दाल, राजमा और उड़द अलग से भिगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चूड़ियों का सेट बना के रख दिया है कि सुबह दिक्कत ना हो। ये एक्स्ट्रा है उधर की, इधर का सेट बना के रख दिया चूड़े का भी, एंड चूड़ियों का भी जो भी बेटर लगेगा वो पहन लूँगी। तो यहाँ पे बस अब मैं पीऊँगी अपना दूध। ऑलमोस्ट उसके नामकरण की सारी तैयारी कर दी है, अब नामकरण कल है। तो कल का ब्लॉग आपको अलग मिलेगा, इस वीडियो को एंड कर देते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस बोल दो, बाय गाइस, सीताराम, राधे राधे, राधे राधे, बाय गाइस, बाय गाइस।